सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लक्सर शुगर मिल पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने शुगर मिल में स्थापित शराब फैक्ट्री के आसपास घरों में मौजूद हैंडपंप से पानी के सैंपल लिए। इस दौरान शुगर मिल परिसर में बहने वाले नाले से भी सैंपल लिए गए। आपको बता दें, लक्सर निवासी प्रवीण कुमार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखित शिकायती पत्र देकर शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र का संज्ञान लेकर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच रेफर की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी सुभाष पंवार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम लक्सर शुगर मिल परिसर पहुंची। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने शुगर मिल के आसपास मौजूद घरों में लगे हैंडपंप के साथ ही पास के ही बहने वाले नाले के पानी का सैंपल लिया और जाँच के लिए लैब भेज दिया है। लक्सर से रामगोपाल की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, एक हमको शिकायत मिली, प्रवीण कुमार की तरफ से शिकायत मिली थी, जिनका ये कह रहा था कि शुगर मिल के आसपास मंदिर है, मस्जिद है और जो पानी है उसका पोल्यूटेंट है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज मेरे साथ सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह है, उनकी उपस्थिति में और मैं स्वयं और आप ये सैंपल लिए जा रहे हैं और संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री के अंदर भी निरीक्षण किया जाएगा, फैक्ट्री के बाहर भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और ये सैंपल हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव लैब है, नोएडा टेस्टिंग लैब, उसको भेजा जा रहा है। और उसके बाद बूढ़े बच्चे काफ़ी समस्या से परेशान है, बीमार हो रहे हैं, खाज खुजली अंदर बीमारी, कैंसर, टीवी, ये कई तरह की बीमारी हो रही है। मक्खी मच्छर लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आप सभासद होते हुए आप इस काम में कुछ नहीं कर रहे हैं।